IIT कानपुर छात्र छात्रावास में खुद को उलटता फिसल गया आत्महत्या नोट मिला। IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के PhD विद्वान ने कथित तौर पर अपने छात्रावास में आत्महत्या कर ली है। कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के एक तीसरे वर्षीय PhD छात्र ने छात्रावास के कमरे में छत से फांसी पर खुद को फांसी करके बुधवार को आत्महत्या कर ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने कहा कि छात्र को भीम सिंह के रूप में पहचाना गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें अंतिम बार मंगलवार को देखा गया था। श्री सिंह की आत्महत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस को अपने कमरे में एक नोट मिला है जो टुकड़ों में फाटा हुआ था। IIT कानपुर के उपनिदेशक मनीन्द्र अग्रवाल ने कहा, एक पत्र बरामद किया गया है और फोरेंसिक टीम के कब्जे में है। श्री सिंह एक दिन के लिए गायब होने के बाद छात्रों ने देखा कि उनका कमरा लंबे समय से बंद कर दिया गया था और जब उन्होंने खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। श्री अग्रवाल ने कहा कि छात्रों ने तब अधिकारियों को सूचित किया और प्रशंसक से श्री सिंह के शरीर को सौंपने के लिए दरवाजे तोड़ दिए। पुलिस को सूचित किया गया था जो आया और एक प्रारंभिक जांच की। स्थानीय कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली के निकट फरीदाबाद में माता सिंह के माता पिता को सूचित किया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा। श्री सिंह ने वारंगल में NIT से BTEC पूरा कर लिया था और 2015 में IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में शामिल हो गए थे। एक साल पहले परिसर आत्महत्या की बढ़ती संख्या से संबंधित देश भर में IIT ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कल्याण केंद्र रखने का फैसला किया। IIT काउंसिल की बैठक के दौरान पूरे देश में 23 IIT के समन्वय निकाय। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, सभी IIT अब उच्च शैक्षणिक और साथियों के दबाव के कारण छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कल्याण केंद्र होंगे। वे उपचारात्मक पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे। IITS में शामिल होने वाले फ्रेशर्स के लिए एक प्रेरण कार्यक्रम होगा जो संस्थान में माहौल को समायोजित करने में मदद करेगा। अन्य बातों के अलावा